ओ भाई यार हम तो एक ही टीम में है ना यार. ओके दो रंगों में रंगी है क्या पापा रात को फिर से पड़ी. तू चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करो. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र. मैं हूं सुनील. और दोस्तों, आज जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वीडियो जिसका उसका नाम है पंगा का ऑफिशियल ट्रेलर. और जैसे कि इसमें है कंगना रनावत और जस्सी हैं इसमें. और बात है मूवी के नाम की जो टाइटल दिया पंगा. यानी पंगा बेसिकली आपने कभी भी मोस्टली देखा होगा तो पंगा जो आता है कबड्डी से रिलेटेड आता है. क्योंकि हमने हाँ क्यों ले पंगा आपने बहुत सारी लीग भी देखी होंगी तो उनमें क्या होता है पंगा. उस लीग का नाम भी पंगा है जो अपनी इंडिया में लीग चल रही थी तो वो चीज है. और इसमें अगर कंगना रनौत ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी होगी क्योंकि उनकी मैंने मूवी देखी है तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है. बाकी अब ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर देख के पता लगेगा हमें कि एक्चुअल में क्या है इसमें. तो देखते हैं इसका ट्रेलर. जया निगम इंडिया कैप्टन 2010 और एक वक्त की सबसे बेहतरीन लीडर कबड्डी. हम तो एक ही टीम में है ना यार. ओके दो रंगों में रंगी है क्या पापा रात को फिर से पड़ी. तू चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करो. जस्सी अपना सिंगर. भैया गाड़ी धीरे चलाना. धीरे धीरे ही चलती है. जी मैं भी. आपको कुछ चाहिए? तो क्या हुआ, नहीं पहचाना? कबड्डी वालों को कौन पहचानता है. जया जी वो दिन हवा हुए जब आप रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी. सारी बड़ी बड़ी बातें वुमन एम्पावरमेंट की. मैं एक माँ हूँ और माँ के कोई सपने नहीं होते हैं. जब इंसान का वक्त बदलता है ना तो आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है. मम्मी की एज क्या है? 32. तो क्या 32 में कमबैक नहीं होता? किस्मत वाली है जो तुझे एक और मौका मिल रहा है. और ऐसी बहुत सारी परेशानियां होंगी जो एक साल बाद ना तुम्हें याद रहेंगी ना मुझे. और याद रहेगा तो सिर्फ ये कि तुम्हारे पास एक मौका आया था और तुमने वो जाने दिया. बहुत मजा आती है. जय तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों को रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो. कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है. पंगा लेना है लड़की को. जब तेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना और फिर जब तू इंटरव्यू देगी ना तो सिर्फ प्रशांत का नाम मत लेना, अपनी मम्मी का भी नाम लेना. हर एक खिलाड़ी अपने लिए या अपने टीम के लिए खेलता है. सिर्फ कुछ ही खुशनसीब खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको देश के लिए खेलने का मौका मिलता है. जिस उम्र में प्लेयर रिटायर होने की सोचते हैं ये कमबैक करना चाहती. मम्मी पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही. मैं तुझे सपोर्ट कर भी नहीं रही. अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट. नहीं मिलेगा तुझे मेरा सपोर्ट. अरे आगे बढ़ो ना भाई. गोंद के लड्डू तो लाई ना बड़ी खेलती. और ये भी चीनी में बनाए. खीर के साथ चाय कौन पीता यार? गोंद के लड्डू नहीं लाई ना मम्मी. नहीं चल रहा है उसका. बहुत बढ़िया यार, अच्छी एक मोटिवेशनल मूवी आ रही है. तो पंगा और ये आ रही है मतलब 26 जनवरी के आसपास आ रही है. ये भी जन में ही आ रही है. जन में बहुत सारी फिल्में देखने को मिल रही है. ऑलरेडी लाइनें लगी हुई है यार. पंजाबी मूवी, साउथ इंडियन मूवी
ऊपर से बॉलीवुड की मूवियां, तो लाइनें सी लगी हुई है बिल्कुल। और इसमें तो जैसे जस्सी गिल है जो अपने जो सिंगर है पंजाबी, वो है, एक्टिंग कर रहे हैं और बढ़िया इन्होंने किया हुआ है, मतलब एक स्मूथ सा रोल दिया हुआ है कि एक हाउस हस्बैंड के तरह, यानी सपोर्टिव हस्बैंड, मेन चीज क्या हाउस हस्बैंड है भाई, सपोर्टिव हस्बैंड, क्योंकि मेन चीज क्या बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है कि हाँ तू अपनी कबड्डी के लिए इंक्रीज कर, क्योंकि मेन चीज क्या होता है देखो, जब भी आप किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, मेन तो वही है, अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो आपने जैसे इसमें दिखाया उसने कबड्डी मतलब खेलना छोड़ दिया है, काफी टाइम पहले खेला था दोबारा से कमबैक किया, कैसे कैसे बहुत सारी चीजें होती है, एक तो 32 की एज में कमबैक करना बहुत एफर्ट लगते हैं, क्योंकि देखो जिस हिसाब से वो तीन अंडे घोल के और एक सब्जीना, ये देखो करना पड़ता है क्योंकि ये देखो बहुत सारी चीजें है ना, हाँ क्योंकि देखो जब एक सीन ये भी था कि उसमें दिखाते वो गिर रही होती तो जस्सी आके पकड़ के कहते भागो कोई बात नहीं, तो मेन चीज का ये बहुत बड़ी चीजें होती है कि आपको मोटिवेट करने के लिए आपका एक जो हम सफर है वो आपके साथ होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब एक जो कहते हैं मोटिवेशनल प्लस आपका जो फैमिली सपोर्ट जो देती है आपको, वो इस मूवी में दिखाया गया है, ट्रेलर देखने से लग रहा है। और हाँ एक चीज और दिखाई है इसमें कि कंगना दाऊद जब जाती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कबड्डी के प्लेयर जब नहीं पहचानते उन्हें, तो उन्हें बहुत फील होता अंदर से कि मैं भी पहले अच्छा खेलती थी, मेरा नाम भी था, लेकिन आज की डेट में मुझे लोग नहीं पहचानते, क्यों, क्योंकि मैं रेलवे से खेल रही थी और मैं मेन इंडिया की टीम में नहीं खेली, तो सबसे मेन इफेक्ट ये था, तो उनके अंदर की एक जो खुंदस थी वो निकल के बाहर आई अपने आप से कि मैंने क्यों नहीं किया, और ऊपर से जब लोग बोलते हैं ना कि हाँ वो पहले का टाइम था, वो बहुत पहले पुराना था, तो वो चीजें हैं, मतलब वो टाइम निकल गया, मतलब तुम रेलवे के लिए खेलती थी, तो ये एक स्टोरी थोड़ी सी अगर आप इसे कनेक्टिविटी देंगे तो जैसे धोनी की स्टोरी थी, महेंद्र सिंह धोनी की, तो उनकी स्टोरी भी ऐसे ही थी थोड़ी सी, क्योंकि रेलवे में जब वो जॉब कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि यार नहीं हम चल रहे हैं तो रेलवे तरफ क्रिकेट खेले, तो टीटी की जॉब छोड़ी उन्होंने, तो उनको लगा कि नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं बनी, तो वही एक मोटिवेशन स्टोरी यहाँ पे भी बन रही है, सेम वैसी ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी थे और यहाँ पे कंगना दाऊद ने एक्टिंग करी है, तो कहीं ना कहीं एफर्ट भी है। और कबड्डी यार जैसे पहले तो इतना फेमस नहीं होता था, पर जब से ये लीग्स शुरू हुई हैं तो ले पंगा ये वहीं से उठाया गया मेरे को लग रहा है टाइटल, तो तब से ये मतलब कबड्डी को थोड़ा सा बंदों को पहचानने लगे हैं लोग, और थोड़ा सा सही है मतलब हर फील्ड में, हॉकी में, अब लीग स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा ना एनकरेज हो गया कि हाँ भी चलो आप करो, थोड़ा सा एफर्ट करो, आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो पहले क्या होता था कि सपोर्ट नहीं मिलता था, अब स्पॉन्सर्स वगैरह आ गए तो थोड़ा सपोर्ट मिलने लग गया, तो आगे बढ़ने लग गए, प्लेयर्स को भी खेलने मजा आने लग गया, क्योंकि जब लोग देखते हैं ना तब लोग प्लेयर्स को भी लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। और जैसे इसमें एक चीज़ और दिखाई थी कि वो जब कहती है उसकी माँ की जब तू इंटरव्यू देगी सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी मम्मी का नाम जरूर लेना, तो मेन चीज़ क्या होता है कि घर जो आपके सपोर्ट में होते हैं, जो नहीं भी होते आपके सपोर्ट में, वो उस टाइम आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो वही इस फिल्म में भी दिखाया गया है। तो ये बढ़िया एक मूवी मोटिवेशनल है, और सभी जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए ये मूवी लेके आई हैं कंगना रनौत जो भी कबड्डी के प्लेयर हैं, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेलर लगा है हमें, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के हमें, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, और वीडियो को लाइक कर दो यार दोस्तों के साथ, शेयर कर दो वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।